यूनिवर्सिटी के एक बड़े अच्छे प्रोफेसर थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है इस्लाम के ऊपर। अभी उन्होंने पुस्तक लिखी है जीसस लिव इन कश्मीर, डाई इन कश्मीर, यानी जीसस क्राइस्ट कश्मीर में मरे। अच्छे विद्वान है, फिलोसफी के चर्चा करने लगे। उनसे मैंने कहा, हम कहा कि आप जानते हैं लड़ाई किसके लिए होती है? कहने लगे, आप ऐसे विद्वान भारत में प्रचार करते हैं जैसे आपके विचारों का आदर मैं भी करता हूं और भी लोग करते हैं, फिर भारत में ये संघर्ष क्यों होता है? मैंने उनसे कहा, संघर्ष का मूल कारण है। क्या कारण है? आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के, अरबी में कहते हैं। हम कहते हैं संस्कृत में सर्वम खलु इदम् ब्रह्मा ने नानाथ के जन्म, कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, शब्द का एक ही अर्थ है। आप अरबी में बोलते हैं, हम संस्कृत में बोलते हैं, काफिर लड़ाई कहां खड़ी हो जाती है? लड़ाई खड़ी हो जाती है अगले फिक्रे से। फिक्र दो है वहां, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां पर कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई शुरू होती है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह आया वहीं लड़ाई शुरू हो जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह में किसको झगड़ा है? सब परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, किसको झगड़ा है? परमात्मा ही सर्व रूप में, इसमें किसको झगड़ा है? झगड़ा कहां शुरू होती है? आप जब कहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका अभिप्राय अल्लाह का केवल एक रसूल है, एक पैगंबर है जिसका नाम है मोहम्मद। अल्लाह ने जो मैसेज दिया है वो केवल मोहम्मद के द्वारा दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद साहब कहते हैं मैं अकेला रसूल नहीं हूं। कुरान में मैंने पढ़ा है, मोहम्मद साहब ने कहा मेरे से पहले 140 और रसूल हो चुके हैं, और आप कहते हो नहीं नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह, केवल अल्लाह का रसूल मोहम्मद है। और इसी रूप से हमारे क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि परमात्मा केवल एकलौता बेटा है, कौन? क्राइस्ट। हमारे यहूदी भाई कहते हैं परमात्मा का एक दूत है, केवल मोसेस। जहां पर व्यक्ति को आपने धर्म का माध्यम चुना, कहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। हो सकता है मोहम्मद साहब के विचार आपके लिए अनुकूल हो, हमारे लिए ना हो। मोहम्मद साहब से ज्यादा समझदार, ज्यादा उन्नत महान योगी, महान ऋषि भारत के इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने सूक्ष्मतम तत्वों से विज्ञान को देखा है, जिनकी वाणी को आज विज्ञान भी चैलेंज नहीं कर सकता। और जहां मोहम्मद की वाणी को विज्ञान ने चैलेंज किया था, आप तलवार उठाकर खड़े हो जाते हो लड़ने के लिए। बाइबल कहती है जमीन चपटी है, और गैलीलियो कहता है कि नहीं जमीन चपटी नहीं है, जमीन गोली है। आप गैलीलियो को फांसी पर चढ़ा देते हो क्योंकि जमीन चपटी, बाइबल कह रहे इसलिए सत्य है। हम कहते हैं ये तो भूगोल है, भूगोल माने भूमि गोल। हमारे ऋषियों ने भी कहा भूगोल, हम भी कहते हैं भूगोल। और हमने कहा किसी भूगोल का अपभ्रंश हुआ है, यानी इसमें हिब्रू भाषा में, हिब्रू में क्या कहते हो उसे जानते हो? भूगोल का हुआ उल्टा, गोल भू। ये तो बोलने के लिए संस्कृत की एक व्यवस्था है, चाहे आप भूगोल कहो चाहे गोल भू कहो। अब गोल भू का बन गया गोल भू, अब भ का स्थान ले लिया ब उच्चारण, क्योंकि भ जो है महाप्राण है, ब जो है अल्प प्राण है, तब ए बन गया गोल भू से गोल भू। अब गोल भू का सरल रूप हो गया ग्लोब, ग्लोब जानते हो? ग्लोब माने गोल भू, भूगो, पृथ्वी राउंड है उसको कहते हैं ग्लोब। एक ग्लोब संस्कृत का ही शब्द है, बिगड़ा हुआ, भाषा विज्ञान के विद्वान जानते हैं इसे। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि झगड़ा कहां होता है? स्मार्ट धर्म में, जिसकी हमारे यहां कोई महत्ता नहीं है। हम जानते हैं जिस धर्म की प्रक्रिया को हमने स्वीकार किया है अपने विकास के लिए, वो हमेशा परिवर्तनशील है। जैसे अभी स्वामी जी बता रहे थे, वो बदलता रहता है, उसमें कोई नित्यता नहीं हो सकती। वो हम अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उसके लिए हम निर्णय लेते हैं, निश्चय करते हैं। देश काल परिस्थिति हमें क्या सिखाती है? हमारे यहां एक बड़ा सुंदर प्रश्न है, महाभारत में महात्मा नारद के पास एक सज्जन जाते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि भगवान अहिंसा परम धर्म है, ये वेद की घोषणा है, मां हिंसा सर्व भूतायां, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ये वेद घोषणा करता है। कहा तो फिर वो पूछते हैं कि कभी सत्य को परम धर्म माना गया है? सत्य से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। और शास्त्रीय कहता है
कभी कंफ्लिक्ट हो जाए फिर क्या किया जाए? कहा कंफ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, कहा हो जाता है। कहा जैसे महात्मा ने प्रार्थना किया कि जैसे एक पशु जा रहा है और पशु को मारने के लिए कसाई उसके पीछे दौड़ रहा है, पशु किसी गली में चला गया, कसाई किसी व्यक्ति से पूछ रहा क्यों भाई उस पशु को तूने देखा किधर गया? यदि कसाई को व्यक्ति बता देता कि पशु इधर गया है तो उधर जाकर मार देगा, और यदि कहता इधर तो नहीं गया, मैंने तो देखा ही नहीं, हो सकता है इधर गया हो, फिर वो पशु बच सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सत्य और अहिंसा दोनों में तकरार हो गई। यदि सत्य का पालन करते हैं तो प्राणी की हिंसा होती है, जानवर यदि बोलता है कि हमने देखा गाय इधर गई, वो कसाई जाएगा मार देगा। और आप जानते हैं आज भी कानून का ये नियम है कि जितना पाप मारने वाले को लगता है उतने उसे बताने वाले को भी लगता है, तो हिंसा हो जाएगी। और यदि हम हिंसा से बचना चाहते हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ेगा कि भाई हमने तो देखा ही नहीं, या ये कह दो भाई वो तो इधर गई है। ये सत्य और अहिंसा में संघर्ष हुआ कि नहीं? बोले हो गया। फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? महात्मा नारद से वह राजा पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जहां सत्य और अहिंसा में टकराव हो जाए। सत्य बोलते हैं तो हिंसा हो जाती है, यदि हिंसा से बचना चाहते हैं तो असत्य बोलना पड़ता है। हम असत्य बोले या हिंसा को होने दें? नारद जी कहते हैं देखो सत्य से वचनम श्रेय सत्यादपि हितं वदे, सत्य बोलना श्रेष्ठ है लेकिन सत्य से भी श्रेष्ठ है हित की बात करना। का हित किसे कहते हैं भगवान? का यद भूत हित मत्यंतम स सत्यम इति मे मते, जिससे प्राणी की रक्षा होती हो, जिससे प्राणी का कल्याण होता हो, जिससे प्राणी का हित होता हो, वैसे ही प्राणी बोलो, ये मेरा सिद्धांत है, नारद जी कहते हैं। अब आप सोचिए यहां पर उस हिंसा से प्राणी को बचाने के लिए झूठ बोलना ही सत्य हो जाता है। इसको कहते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार के धर्म का निर्णय लेना। कभी कभी हिंसा भी अहिंसा से श्रेष्ठ हो जाती है, हिंसा भी अहिंसा से श्रेष्ठ हो जाती है। पुराण में कथा है एक व्यक्ति हिंसा में निरत रहता था, उसको एक संत मिल गए, गुरु मिल गए, उन्होंने उपदेश दिया कि अब कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा, साधन बता दिया, साधन में बैठ गया। उसने पूछा भगवान मेरा साधन सिद्ध हो गया मैं कैसे समझूंगा? उसके हाथ में लठिया थी जिससे वो लोगों को मारता था। महात्मा ने कहा जब ये तेरी लठिया हरी हो जाए सूखी से तब समझ लेना कि तुम्हारा साधना सफल हो गई। अब वो इस इंतजार में था कब लठिया हरी हो, साधन में लगा रहा। एक दिन बैठा हुआ ध्यान में उसने चीख सुनी, पुकार सुनी, करार सुनी बगल में, उसे नहीं रहा गया, उठकर खड़ा हो गया। पुकारने वाली कौन थी? एक अवला थी जिसको एक दस्यु जबरदस्ती लूटने और बलात्कार करने के लिए पड़ा दौड़ रहा था। अवला की पुकार सुनी, चीख सुनी, मुझे बचा लो, मेरे धर्म की रक्षा कर लो। वो विचार करने लगा अब क्या करूं, इस अवस्था में यदि मैं बचाने जाता हूं तो झगड़ा हो जाएगा, हो सकता है दस्यु से डाकू से झगड़ा हो जाए तो उसे मारना पड़ जाए, और यदि मैं नहीं बचाता हूं तो ये चीख पुकार सुननी पड़ेगी। उसने अपनी लठिया से 55 खून किए थे, 55 खून माने हाँ 55 पंजाबी में कहते हैं, 55 लोगों का वध किया था। उसने निश्चय किया कि जैसे 55 वैसे 56। जहां 55 लोगों के मारने का पाप लगेगा वहां एक और पाप सही, लेकिन मेरे से ये करार नहीं सुनी जाती। लाठी उठाया, दौड़ा गया और उस डाकू को ललकारा जो उस अवला के यानी इज्जत को लूट रहा था। डाकू उसके सामने आया, दोनों में युद्ध हुआ, उसने लाठी उठाकर मारी, मर गया। डाकू के मरते ही उसकी लठिया देखा हरी हो गई, लठिया हरी हो गई। उसने देखा ये क्या तमाशा, आश्चर्य में पड़ गया कि 55 लोगों का वध किया, उससे मैं पतित हो गया। गुरु ने कहा था जब तुम्हारी लठिया हरी हो जाए तो जान लेना तुम्हारे साधन की सिद्धि हो गई, और इस डाकू के मारने से मेरी लठिया हरी हो गई, अभिप्राय मेरा साधन सिद्ध हो गया। बड़े असमंजस में था, उसी समय उसके गुरुदेव का वहां आविर्भाव हो गया। गुरुदेव ने पूछा वत्स आश्चर्य किस बात की, चरणों में गिर गया, सारी कहानी सुना दी।
गुरु ने कहा वत्स, जिन 55 व्यक्तियों के तूने 55 व्यक्तियों के तूने खून किया था वो अपने स्वार्थ के लिए किया था, और ये जो तूने दुष्ट की हत्या की है ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये किसी अवला की इज्जत को बचाने के लिए, उसके प्राण को बचाने के लिए, ये परोपकार के लिए की है, परहित के लिए की है, इसमें तुम्हारा कोई न भय था न स्वार्थ था। कहीं पर परोपकार के लिए दुष्टों की हिंसा भी करनी पड़ती है, जहां दुष्टों की हिंसा की जाए वो हिंसा नहीं है, वो तो अहिंसा के रूप में ही स्वीकार की जाती है, ये शास्त्रकारों ने बताया। मेरे कहने का अभिप्राय कि जहां पर ऐसी स्थिति हो उसको आपन धर्म कहते हैं, उस अवस्था में अपनी सुकृतियों को प्रयोजित करना होता है, और जहां पर ऐसी स्थिति नहीं है, यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि जो प्राकृतिक विधान से दैवीय विधान से जिन तत्वों ने हमें धारण कर रखा है वो नित्य धर्म है, उनको हम बदल नहीं सकते, उनमें परिवर्तन नहीं होता, और जो हमारे स्वीकृत धर्म है जिनको हम स्वीकार किए उनमें परिवर्तन होता रहता है। दुनिया में लड़ाई जो है वो सत्य की नहीं है, सिंबल की है, सिंबल की। मैंने उसी मुसलमान विद्वान को समझाया, हम कहा कि आपने देखा है हमारे यहां ओम लिखा जाता है, बोले ओम कैसे लिखा जाता है, कहने लगा स्वामी भी मैं जानता हूं जैसे लिखा जाता है, मैंने ओम लिख करके उसे बताया, हम कहा ऐसे देखते हो ना, बोले नीचे ऐसे लिखा हुआ ऊपर एक चंद्रमंडी लगी हुई है। मैंने उसे पूछा, हम कहा कि आपके ध्वज में, हिंदुओं के ध्वज में आपको ओम मिलेगा, बोले हाँ, हम कहा आपके ध्वज में केवल चंद्रमा के ऊपर सारा चंद्रबिंदी समझ लो। मैंने उसे पूछा, हम कहा कभी आपने देखा चंद्रमा के ऊपर ऐसा कोई तारा उदय हुआ हो, किसी द्वितीया के दिन देखा, किसी ईद के दिन देखा, बोले ना कभी नहीं देखा। हम कहा ये सिंबल कहां से आया तुम्हारे धर्म में, कहने लगे तो मुझे पता ही नहीं है। हम कहे तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है, मुझसे पूछो। हमारे यहां ये जो ओंकार बनाया जाता है आ उ मा और अर्ध मात्रा इसे कहते हैं, ये अर्ध मात्रा जो है परमेश्वर का प्रतीक है, और आ उ मा जो है ये सृष्टि पालन और प्रलय का प्रतीक है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं, इसको कर्म ज्ञान उपासना भी कहते हैं, और ये जो है समर्पण का प्रतीक है। हम जीवन को पूर्ण रूप से देखते हैं यहां से लेकर के आखिरी तक। हमारे यहाँ एक सैव संप्रदाय है, सैव संप्रदाय आ को अस्वीकार करता है और केवल अर्ध मात्रा में ही ध्यान लगाने की विधि बताता है। मैंने कहा बुरा ना मानना, मोहम्मद साहब एक योगी के शिष्य थे और उन्होंने 40 दिन तक, आज भी हमारे यहाँ 40 दिन तक व्रत करते हैं, 40 दिन के व्रत के पश्चात इसी ओंकार की अर्ध मात्रा का ध्यान करते हुए उन्होंने समाधि के अवस्था को प्राप्त किया था, और समाधि के अवस्था को प्राप्त करके ही उन्होंने जो कुछ कहा जिसको परमात्मा की आयत कहते हैं, परमात्मा का मैसेज कहते हैं, उसको कुरान के रूप में संग्रहित किया गया था। उसमें बाद में दूसरे खलीफा के समय में कुछ ऐड किया गया, परिवर्तन किया गया, ये मुसलमान हिस्ट्री बताती, पढ़ लेना। और वही अ के ऊपर जो अर्ध मात्रा है वही तुम्हारे यहां निशान रूप में स्वीकार किया गया, चंद्रमा के ऊपर तारा, तारा नहीं वो अर्ध बिंदु है, और वो ओंकार का ऊर्ध भाग है। क्योंकि हमारे यहां जब शैव संप्रदाय में अपने आप को पूर्ण रूप से शिव को समर्पित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति के लिए कर्म की विधि नहीं है, पूर्ण समर्पण के पश्चात पाप नहीं रहता, मृत्यु के पश्चात पुनः संसार में नहीं आना होता। इसी सिद्धांत का मोहम्मद साहब ने प्रचार किया कि तुम अपने आप को खुदा के हवाले कर दो, पुनः तुम्हें संसार में नहीं आना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक ये भी विधि है, शैव संप्रदाय में इस प्रकार की आस्था रखने वाले जो हैं वो मरने के बाद जलाए नहीं जाते, वो दफनाए जाते हैं, आज भी ये प्रक्रिया है। दक्षिण भारत का लिंगायत मत इसी का अनुयायी है, और लिंगायत कोई जलाया नहीं जाता, दफनाए जाते हैं वो हिंदू। मैंने उससे बताया, हम कहा कभी वहां के लोगों में इस प्रकार के दिव्य ज्ञान को पहुंचाने वाला कोई भारतीय योगी था, जिसके विषय में बाद में कुरान के अनुयायियों ने लिखा कि वो तो जिब्राइल ने आकर के मोहम्मद साहब को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने साधना की, वो जिब्राइल कोई दूसरा नहीं था, एक भारत का योगी था। मैं आप लोगों को बता रहा था लड़ाई किसकी है, सिंपल की लड़ाई है, सत्य की कोई लड़ाई नहीं है। सत्य तो सनातन है लेकिन सिंपल सनातन नहीं है, ये बात याद रखो। सिंपल सनातन कैसे हो सकता है, परमात्मा सनातन है लेकिन परमात्मा की मूर्ति की जब हम कल्पना करते हो मूर्ति सनातन नहीं होती,
के लिए लड़ते रहते हैं। तो झगड़ा जो है सिंबल में, सिंबल स्वीकृत है, सिंबल शाश्वत नहीं है। ये बात याद रखिए, धर्म के दो भेद हैं, स्वीकृत और शाश्वत। स्वीकृत धर्म को हमारी भाषा में स्मार्ट धर्म कहते हैं और नित्य धर्म को हमारे यहाँ शाश्वत धर्म कहते हैं। जो शाश्वत धर्म है वो अपरिवर्तनीय है, वो श्रौत धर्म है, वो वैज्ञानिक धर्म है, वही समस्त प्राणियों का आधार है। और जो स्वीकृत धर्म है वो परिवर्तित होता रहता है। जो पश्चिम में रिलीजन है, मिडिल ईस्ट में मजहब है, भारत में संप्रदाय है, वो स्वीकृत है, वो शाश्वत नहीं है। ये बात याद रखना। यहाँ जो अनेकों पंथ है वो स्वीकृत है, वो शाश्वत नहीं है। यहाँ जो साधन की प्रणालियां हैं वे स्वीकृत है, वो शाश्वत नहीं है। जैसे हमने लाल कपड़ा पहन लिया, लाल कपड़ा पहना ना, जिससे हमें लोग देखें तो जान जाए कि हम सनातन धर्म के प्रचारक सन्यासी हैं, हमारे मित्र हैं, परम सुहृद मित्र हैं मुनि जी महाराज। हमारे विचार एक हैं, हमारे भाव एक हैं, हमारी मान्यताएं एक हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सफेद वस्त्र पहने हैं, मुंह के ऊपर पट्टी लगा रखे हैं। क्यों? जिसे लोग देखें समझ जाए कि जैन संप्रदाय के यानी विद्वान है। ये क्या है? हमारे सिंबल है। ये शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं माने, जब से सृष्टि हुई तब से ऐसे नहीं चले आ रहे हैं। फिर हमारी पहचान के लिए सिंबल बनाए गए हैं, और यदि हम सिंबल में उलझे रहेंगे तो सबसे करोड़ों को दूर चले जाएंगे। सिंबल बदलता रहता है, लेकिन सत्य अपरिवर्तनशील है। सत्य जो है उसी को शाश्वत सनातन कहते हैं, सिंबल को सनातन नहीं कहते। हम जिस सनातन की घोषणा करते हैं, जिस सनातन को मानते हैं, यही कारण है कि आपको भारत में सनातनी कभी किसी सिंबल की निंदा करते हुए नहीं मिलेगा, किसी सिंबल की आलोचना करते हुए नहीं मिलेगा। उसके खून में, उसके संस्कार में बात डाल दी गई है कि सिंबल जो है ये शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, तो सुकृत है। ये धर्म के बहिरंग रूप है, ये बहिरंग जो है सुकृत है। इनके लिए मत लड़ो, इनके लिए मत झगड़ो। सत्य तो शाश्वत है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, उसका कोई नाश नहीं कर सकता, वो कभी खतरे में नहीं पड़ सकता। आप जानते हैं कभी किसी सनातनी विद्वान से सुना कि उसका धर्म खतरे में है? ना, कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि धर्म खतरे में होता ही नहीं कभी। का गीता में भगवान ने बात कही है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भूत भारत, वहां हानिर्भूत नहीं कहा, ग्लानी भूत कहा है। ग्लानी और हानि में जानते हो क्या अंतर है? जैसे आपकी हानि हो जाए आपको ग्लानी हो जाए। आपकी हानि, हानि शब्द जो जिस धातु से बना है उसका अर्थ होता है नाश। हम कहते हैं नाश को, मारने को, नष्ट करने को। और ग्लानी किसे कहते हैं? ग्लानी माने मायूसी। जैसे आपके जीवन में डिप्रेशन आ जाए, अंग्रेजी में डिप्रेशन तो जानते होंगे ना, आपका जीवन डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेशन आ गया है। आपका जीवन तो है लेकिन उसमें उत्साह नहीं रहा। जीवन है, जीवन नष्ट नहीं हुआ, उत्साह नहीं रहा। तो ग्लानी उस अवस्था का नाम है जहां पर धर्म में उत्साह नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं जब धर्म की ग्लानी होती है, ग्लानी माने धर्म के प्रति लोगों का उत्साह भंग होने लगता है, धर्म का स्थान अधर्म लेने लगता है, धर्म की ग्लानी होने लगती है, तदात्मानं सुजाम में उसमें महापुरुष आते हैं, धर्म की सही व्याख्या करके लोगों में पुनः उत्साह जागृत कर देते हैं। लोग पुनः धर्म के प्रति जो मायूस लिए रहते हैं, धर्म के नकली ढांचे को देख करके, धर्म के नाम पर संघर्ष को देख करके जो मायूस लिए रहते हैं, वो पुनः उत्साह से भर जाते हैं और कहते हैं नहीं, धर्म सत्य और सत्य धर्म है। ये बाहर के सारे नकली ढांचे अस्वीकार कर देते हैं और पुनः सत्य की तलाश में लग जाते हैं। भगवान कहते हैं जब धर्म की ग्लानी होती है तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि धर्म के दो रूप, एक स्वीकृत धर्म और एक साध धर्म, श्रौत धर्म, नित्य धर्म, शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म के लिए कहीं लड़ाई नहीं होती, शाश्वत धर्म के लिए कहीं खंडन नहीं होता, शाश्वत धर्म का कभी नाश नहीं होता, लेकिन स्वीकृत धर्म बदलता रहता है। हम आप लोगों को विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों के द्वारा यही समझाना चाहते हैं कि जिस धर्म के लिए दुनिया में लड़ रहे हैं लोग, वो स्वीकृत धर्म है। उसके लिए लड़ो मत, उसके लिए मरो मत, उसको खतरे से तुम बचा नहीं सकते। जो धर्म मरने वाला है दुनिया में कोई उसका रक्षा नहीं कर सकता, और जो धर्म शाश्वत है दुनिया में उसे कोई मार नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझो और
लोग प्रार्थना करने पहले एक बात मेरी आपसे ध्यान से सुन जाए, सायंकाल को यहाँ पर 5 से लेकर फिर इसी प्रकार से बैठक प्रारंभ होगी, 5 नहीं 4:30 से, कल भी 4:30 से मैंने बताया था, 8:30 बजे, अच्छा 5 बजे से लेकर के ये सत्र फिर प्रारंभ होगा और रात्रि में 8 बजे तक चलेगा। आज तो रविवार है, देवियां पहले रोटी वोटी बनाकर खिला कर आवे जिससे आज से पहले उठकर दौड़ने की कोशिश न करें, और यहाँ पर विद्वान बोलेंगे, आप लोग उसको सुनिए, आखिरी संदेश होगा सायंकाल के समय 3 घंटे के सत्र में, आप लोग यहाँ 5 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करें। हमारे यहाँ जो यज्ञ चल रहा था महाज सचंडी महायज्ञ, उसकी पूर्णाहुति हुई है, आप लोग यहाँ के पश्चात उठेंगे, वहां जाएंगे, यज्ञ भगवान को प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे और सायंकाल को ठीक 5 बजे से पहले यहाँ फिर पहुंच जाएंगे। कल मैं सवेरे वही यहाँ जो लोग आए हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा, प्रोग्राम बस थोड़ी देर का और है और उसके पश्चात आप सभी प्रसाद लेकर के फिर अपने अपने घर जाएंगे, यहाँ से भंडारे में जाएंगे, वहाँ सबको प्रसाद मिलेगा, भोजन, और भोजन लेने के पश्चात अपने घर जाएं, ये सभी से मेरा निवेदन है। यहाँ का कार्यक्रम अभी तक जो चलता रहा है, आप लोगों ने सुना है, देखा है, कई वर्षों से यहाँ एक कार्यक्रम मनाया जाता है, हरियाणा सरकार के मंत्री और वहाँ के अधिकारीगण इसमें हमेशा भाग लेते हैं और हमारे इस संस्था के विकास में हर एक प्रकार का योगदान दिया करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि हम सभी यहाँ जिस उद्देश्य को लेकर के बैठे हैं वो एक अपने आप में, जिसे मैं कहूँ अद्भुत है, कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम जब आए थे तो यहाँ जंगल था, सूरजपुर फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर थे उनके सहयोग से हमें क्या बोलते हैं उसे बुलडोजर मिल गया और उससे ये जमीन साफ करा करके हम लोग यहाँ रहने काबिल बनाए जगह। बाद में हमें बड़ी परेशानी थी रास्ते की, पानी की, बिजली आदि की और नदी की परेशानी थी, जो परेशानी हमें हरियाणा सरकार के सहयोग से दूर हुई और हम आराम से यहाँ रहने लगे। जैसा आप लोगों ने सुना है, जानते हैं, इस इलाके के राजनीतिज्ञ और नेता में कहूँ तो कोई यानी अतिशयोक्ति बात न होगी, लक्ष्मण सिंह ने हमारा बहुत सहयोग दिया, उनकी श्रद्धा भी है, आस्था भी है, विश्वास भी है, प्रेम भी है और हमारे यहाँ के रहने वाले जितने सदस्य हैं सब उनको एक अपने मिशन का ही व्यक्ति मानते हैं, जब भी कोई जरूरत पड़ती है उनके पास चले जाते हैं। हरियाणा सरकार में जो भी सरकार आई हमें हमेशा सहयोग मिलता रहा है और उसके सहयोग से ये संस्था यहाँ विकसित हुई। मूलतः तो हम यहाँ पर विचार लेकर आए थे योग विश्वविद्यालय बनाने के लिए, ये हमारी योजना थी। इस विषय में जब भजन लाल मिनिस्टर थे उनसे मैंने बात की थी 2-3 बार, उन्होंने भी ये कहा था कि जो आप करेंगे हम पूरे सहयोग देंगे। बाद में यहाँ पर जब ये नई मिनिस्ट्री आई, इसके भी 2-3 जो अधिकारी यहाँ आए, मिनिस्टर आए, उनसे मैंने बात की, उनकी भी ये हमेशा राय रही कि आप आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाइए, हम योगदान देंगे। अभी हमने योजना बनाई कि विश्वविद्यालय तो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके लिए बहुत समय और खर्च की जरूरत होती है, यदि हम यहाँ पर महाविद्यालय प्रारंभ कर दें योग का तो उससे काफी लाभ होगा। इंडिया गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, हर एक स्कूल में एक योग अध्यापक होगा जो योग की शिक्षा दिया करेगा,
योग प्रशिक्षण के लिए जगह जगह केंद्र बने हैं। दुर्भाग्य से भारत में कोई ऐसे अच्छे केंद्र नहीं है। इस समय तीन तीन महीने का प्रशिक्षण लेकर के जो बीए करने वाले लोग हैं वो योगा टीचर बनकर के स्कूलों में जाते हैं, जिनको स्वयं योग की न तो कुछ पता है न तो ज्ञान है और न तो कुछ सिखा पाते हैं न कर पाते हैं। मेरी राय है कि यदि ऐसे इंस्टीट्यूशन को सरकार द्वारा मान्यता मिल जाए, अभी मैं यही बात कर रहा था शर्मा जी से, तो यहाँ से हम ऐसे सुयोग्य अध्यापक तैयार कर सकते हैं जिसको योग और दर्शन का यानी बोध करा करके हम बच्चों को यानी सही माने में नैतिक शिक्षा दिला सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी देश जब तक अच्छे एजुकेशनिस्ट नहीं होते, शिक्षक नहीं होते, तो अपनी उन्नति नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से भारत जो है ये सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर यानी रिलीजियस व धार्मिक शिक्षा देना गुनाह है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, यहाँ के जो एजुकेशन बोर्ड यानी कोड है उसको मैंने पढ़ा है, हम विद्यालय चलाने से पहले काफी इसकी छानबीन की है, तो एजुकेशन कोड में ये नियम है कि किसी भी विद्यालय में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। और मेरी राय है कि बिना धर्म शिक्षा के मनुष्य में मनुष्यता का जन्म नहीं हो सकता। पश्चिम के लोग इस समय इससे दुखी हैं, वर्तमान के साइंटिफिक एजुकेशन की प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, उनको कोई मनुष्य नहीं दे सके। मैं पश्चिम के लोगों से भी बताता हूँ कि तुम्हारे यहाँ वैज्ञानिक विकास हुआ तो तुम लोगों ने दुनिया को हिप्पी दी है, और हमारे यहाँ जब वैज्ञानिक विकास हुआ था तो हमने दुनिया को ऋषि दिए थे, राम दिए थे, कृष्ण दिए थे, बुद्ध और महावीर दिए थे। यानी मेरे कहने के प्राय कि भारतीय परंपरा, भारतीय विचारधारा, भारतीय दर्शन दुनिया को हमेशा से महापुरुष देता आया है, आज भी दुनिया को महापुरुष दे रहा है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोगों को देख करके पश्चिम के लोग वहाँ विश्वविद्यालयों में जब हम जाते हैं बोलने या टेलीविजन या रेडियो स्टेशनों पर, तो वहाँ के लोग जब सुनते हैं विचार और बातचीत करते हैं तो उनको एक आश्चर्य होता है कि आज भी भारत में कभी कभी लोग आकर पूछ लेते हैं। एक दिन मैं इंग्लैंड में एक जगह है कवेंट्री, वहाँ एक चर्च में, कैथीड्रल कहते हैं बहुत बड़े चर्च को, उसमें मैं बोल रहा था। बोलने के बाद जब मैं नीचे उतरा स्टेज से तो एक इंग्लिश लेडी मेरे पास आई, उसने मेरे से पूछा कि जिस भारत की बात अभी आप कर रहे थे वो भारत यही जो इंडिया है यही है कि वो कोई दूसरा है? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, यही है। वो कहने लगी कि अभी मैं भारत से घूम करके आई हूं, हमारे यहां से एक एजुकेशन यानी ग्रुप गया था, उसकी मैं चेयरमैन थी, और उस भारत को मैं देख करके आई हूं, और हम ये सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा हमारे यहाँ की संस्कृति सभ्यता बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। हमने यहाँ का अंग्रेजियत का विकृत रूप भारत में देखा है। मैंने उससे पूछा, हम कहा भारत में तू कहाँ कहाँ गई? कहा पहले हमारा डेप्यूटी ग्रुप बंबई गया, वहां से दिल्ली गया, वहां से चंडीगढ़ गया, और इन तीन यूनिवर्सिटियों में होकर के हम लौट करके आए। मैंने उससे कहा, हम कहा कि बड़े दुख के साथ मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, इफ यू वांट टू सी इंडिया यू मस्ट गो इन विलेजेस, इंडियन आर लिविंग इन विलेजेस नॉट इन सिटीज। यदि भारत देखना हो तो गांव में जाओ, तो शहरों में, मैंने उससे कहा जिन तीन शहरों को तुम देख करके